हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम टू आवर चैनल साइस्ता इंजॉयमेंट ब्लॉग्स। आज हम बरमबरगा जा रहे हैं, बच्चों का एक प्रोग्राम है उसमें शामिल होने, तो हम यहाँ से भद्रक से तकरीबन 60 किलोमीटर की दूरी पे है और जाजपुर एक डिस्ट्रिक्ट है, जाजपुर से होते हुए बरमबरगा एक ब्लॉक है, वहाँ जाएंगे और फिर वहाँ से वापस भी होना है। इस रास्ते में जो जगह हैं वो भी मैं आपको दिखाता चलूँ, जो ग्लिम्स होगा, डिटेल तो मैं भी बहुत कुछ नहीं जानता, तो आइए चलिए देखते हैं। उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आएगा, प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। ये नेशनल हाईवे 16 है जो कि कोलकाता से चलकर चेन्नई को जाती है और ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल यानी स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो नेशनल हाईवे में की थी भारत सरकार की, उसके अंतर्गत आता है। तो इस रोड से हम भंडारी पोखरी तक जाएंगे और वहाँ पे एक जगह है छपुआ, वहाँ से हम जाजपुर की तरफ मुड़ेंगे। दोस्तों, मैं बताता चलूँ कि वीडियो काफ़ी लंबा नहीं हो जाए, इसलिए हमने सिर्फ झलक दिखाया है, तमाम चीज़ें इसमें नहीं हैं और एडिटिंग के दौरान उसको हमने कट कर दिया है। अब हम जाजपुर में दाखिल हो चुके हैं, ये जाजपुर शहर है। जाजपुर का इतिहास काफ़ी पुराना है और ज़रूरी है कि मैं जाजपुर के बारे में कुछ कुछ इसके इतिहास के बारे में बताता चलूं। जाजपुर को जाजापुर के नाम से भी जाना जाता है। जब कटक ज़िले को कई ज़िलों में विभाजित किया गया तो जाजपुर उनमें से एक था। ये 1 अप्रैल 1993 ईस्वी को अस्तित्व में आया। जाजपुर 473 ईस्वी में केशरी राजा ययाति केशरी की राजधानी रही है। चीनी यात्रियों के लेखों से भी पता चलता है कि 7वीं शताब्दी में जाजपुर को राजधानी के रूप में वर्णन किया गया है। ये तंत्र मंत्र का एक बड़ा केंद्र रहा है। जैसा कि मैं बता चुका हूँ अपने वीडियो के शुरू में कि हम बरमबरगा जा रहे हैं, तो ये बरमबरगा जाने वाली सड़क है जो कि मेन शहर जाजपुर मेन शहर से 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बरमबरगा, सॉरी, सही प्रोनाउंसिएशन है बरमबरगा। हम पहुंच चुके हैं, ये बरमबरगा गांव है। बरमबरगा उड़ीसा के जाजपुर ज़िले में रसूलपुर तहसील का एक बड़ा गांव है और यहां के आसपास के जो गांव हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा बाज़ार है। यहां बहुत से लोग विदेश में रहते हैं, इसलिए भी ये जगह मशहूर है। हम बरमबरगा डिग्री कॉलेज के काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं और शहर से जो मेन आबादी है उससे थोड़ा सा हटकर कॉलेज कैंपस है, तो वहाँ हम लोग उसी तरफ बढ़ रहे हैं। और ये बरमबरगा डिग्री कॉलेज आ चुका है,
ये लाल बिल्डिंग जो दिख रही है यही ब्रह्मवर्धा डिग्री कॉलेज है और यहीं पे बच्चों का प्रोग्राम है जो उनका डिबेट कंपटीशन है। छोटा सा कैंपस है लेकिन काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है। पूरी बिल्डिंग लाल है और बहुत ही अरेंज वे में तमाम चीज़ें देखने में आ रही हैं और ये हमारे बच्चे हैं। आ जाइए। और अब हम मेन बिल्डिंग में पहुंच गए हैं जहाँ पे ये सामने जो दरवाज़ा दिख रहा है ये कॉन्फ्रेंस हॉल है, यहीं पे वो प्रोग्राम होना है। तो आइए एक नज़र हम लोग भी देख लेते हैं। ये देखिए काफ़ी सुंदर तरीके से सजाया गया है, बच्चे सारे लगे हुए हैं काम पे अपने। तो अब मैं ब्रह्मवर्धा से हम वापस हो रहे हैं और हमारे कुल 10 बच्चों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था और उनमें से फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों प्राइज इन्होंने जीता। तो बच्चे सारे बहुत खुश हैं। ये देखिए ये तमाम बच्चे हैं, 10 बच्चे सारे प्लस 3 के बच्चे हैं और यहाँ कंपटीशन में इन लोगों ने काफ़ी जोश के साथ पार्टिसिपेट किया। और अच्छी बात यह है कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों प्राइज इन्हीं में से मिले हैं। जैसा कि मैं बताया था कि मैं ब्रह्मवर्धा आया था और यहाँ से लौटते हुए जाजपुर टाउन से जा रहे थे, तो बच्चों के जीत से हम कुसुमा लेक है, ये काफ़ी मशहूर है इस एरिया में और उसी को थोड़ा देखने के लिए हम लोग यहाँ पर रुक गए हैं। तो ज़्यादा देर तो हम यहाँ नहीं रुकेंगे लेकिन आधा घंटे का ड्राइवर से हम लोगों ने बोला है कि आधा घंटे में हम लोग वापस आ जाएंगे। तो आइए आपको कुसुमा लेक दिखाते हैं। करीब 27 एकड़ ज़मीन में फैला कुसुमा पार्क न सिर्फ जाजपुर के लिए मेन अट्रैक्शन है, टूरिस्ट प्लेस है, बल्कि उड़ीसा में भी काफ़ी मशहूर है। यहाँ पे जो देखने की चीज़ें हैं वो यहाँ का फाउंटेन है जो बेसिकली नाइट में शुरू होता है और ये पार्क रात में ही असल मानों में देखने का है। दिन में जो मैं दिखा रहा हूँ वो कंप्लीट नहीं है, असल जो है वो रात में है। यहाँ पे करीब 70 वैरायटी के पौधे हैं लगे हुए, फूल और पौधे जो लगाए गए हैं। ये देखिए ये कुसुमा लेक है, ये पहले तो ऐसे ही पोखरी था लेकिन उड़ीसा सरकार ने इसका काफ़ी उद्धार किया, खास करके यहाँ के जो MLA हैं उन्होंने इस पर ख़ास ध्यान दिया और इसको काफ़ी खूबसूरत बनाया है और ये मेन अट्रैक्शन है जयपुर का और बहुत शौक़ से लोग इसको घूमने आते हैं। ये देखिए बीच में ये पूरा तालाब है, इसी में बोटिंग फैसिलिटी भी है। और बताते हैं शाम में इसका नज़ारा और भी खूबसूरत होता है और यहाँ पे काफ़ी भीड़ होती है। अभी तो धूप है, अभी 3 बज रहे हैं तो उस तरीके से कुछ है नहीं। और देखिए यहाँ पे दीवारों पे देखिए कितना खूबसूरत पेंटिंग बने हुए हैं। ये देखिए बड़ा खूबसूरत है, अलग अलग शेड्स हैं सब। हमारे चेहरे पे तो बिल्कुल 12 बज रहा है, पूरा थक गया हूँ लेकिन मज़ा आ रहा है, बच्चों के साथ घूमते चला आया और सोचा इनकी भी बात रख ली जाए क्योंकि काफ़ी ये बोल रहे थे कि कुसुमा लेक होते हुए जाएंगे तो इसीलिए हम भी आ गए। ये देखिए हमारे 3 बच्चे यहाँ सेल्फी में लगे हुए हैं। अच्छा है ये हमारे खिलाफ जॉगिंग के लिए भी अच्छी जगह है, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जो जॉगिंग करते हैं उनके लिए भी काफ़ी खूबसूरत है और बोटिंग भी शानदार है। वो दूर वहाँ पे लगता है एक
कोई मूर्ति लगी है, कहते हैं वहाँ पर फाउंटेन भी है। आइए दिखाता हूँ, शायद आगे में फाउंटेन है। और ये देखिए, ये यहाँ से ये देखिए कितना खूबसूरत है, ये फूल खिले हैं गुलशन गुलशन। ये दूर जाजपुर टाउन दिख रहा होगा, पूरा एयरफोन नहीं लगाऊंगा, आवाज़ बहुत होती है, बगल से हाईवे गुजरा है, काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे जगह जगह म्यूज़िक के स्पीकर लगे हुए हैं और गाने बज रहे हैं हिंदी सॉन्ग। देखिए आवाज़ आ रही है, ये भी एक अच्छा है, मज़ा आता होगा। और ये देखिए, ये फाउंटेन है जो रात में जब ये चलता है तो इसकी खूबसूरती और बढ़ जाती है, ये और भी सुंदर दिखने लगता है। ये आप सामने देख रहे होंगे फाउंटेन, ये सामने यहाँ पे देखिए। जाओ अरे भाई तू आ जाओ, एक एकलौते भाई हो भाई, ये तो कह रहा हूँ कि रात में मजा आता होगा, अभी थोड़ी मजा आएगा। आप लोग फालतू में 3 बजे दोपहरिया में कौन आता है घूमने पार्क, हम क्या करें अगर रात हो तो फिर तो यहीं रुक जाइए। और क्या आप लोग कोई कौन कौन थी लड़की, वो साइन करेगी, उसके कुछ रिलेटिव यहीं पे है, तो सब लोग आप लोग ठहर जाइए यहीं पे, और क्या है ना, रुक जाएंगे रात को देख कर जाएंगे, है ना, नाइट व्यू देखेंगे। हाँ वो वाला देखिए, ये क्या है, अच्छा एक होता है अच्छा यहाँ पर भी वो वहाँ भी है, वो बहुत खूबसूरत होता होगा, वो रात में बड़ा अच्छा लगता होगा। और ये तो इस पे फोकस किया हुआ है, है हाँ लाइटिंग है, साइन यहीं रह जाइए आप, है हाँ यहीं पर रह जाइए, और हम लोग का इंतजाम कर दिए तो हम लोग भी रह जाए, कल हम लोग ये रात में फाउंटेन वगैरह देख के जाएंगे। तैरने आता है, तैरने आता है नहीं, भद्रक से बरमबरदा आने के दौरान जो हमने वीडियो रिकॉर्डिंग की थी, या जाते समय ये कुसुमा लेक या रोड के जो रास्तों के वीडियोस हैं, उम्मीद है कि आपको वो पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।